सेशन कोर्ट में गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गैंगस्टर का नाम संजीव जीवा बताया जा रहा है। इस शूटआउट में एक बच्ची को भी गोली लगी है, जिसे बलरामपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया है। दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में शूटआउट की वजह से सनसनी फैल गई। दीवारों पर खून के छींटे देख और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर लोगों की चीखें निकल गई। बताया जा रहा है कि शूटर वकील के कपड़े में कोर्ट में आए थे और कोर्ट के अंदर उन्होंने संजीव जीवा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोल्डी हत्याकांड में संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा हुई थी। संजीव जीवा कृष्णानंद हत्याकांड और ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्या मामले में भी आरोपी था। संजीव जीवा को मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी का करीबी बताया जाता है। बदमाश जीवा लखनऊ की जेल में बंद था। संजीव जीवा पश्चिमी यूपी का कुख्यात बदमाश था। जानकारी के मुताबिक संजीव जीवा को 5 गोलियां लगी हैं। हमलावर को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे केसरबाग पुलिस थाने ले जाया गया है। शूटआउट के दौरान घायल बच्ची की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। गैंगस्टर संजीव जीवा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के अलावा वो भाटी गैंग के इशारों पर भी काम करता था। जानकारी के मुताबिक उसके ऊपर करीब 3 दर्जन मामले दर्ज थे। बता दें कि इस शूटआउट से कुछ दिन पहले ही संजीव जीवा की पत्नी पाल्य माहेश्वरी ने अपने पति की जान को खतरा बताया था। उसकी पत्नी की मांग पर जीवा की सुरक्षा को बढ़ाया भी गया था। हालांकि कोर्ट में वकील के भेष में आए शूटर्स ने उस सुरक्षा को धत्ता बताते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। इस शूटआउट में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोई भी हत्या करेगा तो वो बचेगा नहीं। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। संयुक्त पुलिस आयुक्त पेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि संजीव जीवा को गोली लगी है और उसे अस्पताल भेज दिया गया है। 2 पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है। यह सजा याफ्ता अपराधी है और हम अभी पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। गोलीबारी की घटना के बाद यूपी के कानून व्यवस्था की स्थिति पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि क्या यह लोकतंत्र है? सवाल यह नहीं कि किसे मारा जा रहा है, सवाल यह है कि वहां मारा जा रहा है जहां सुरक्षा सबसे ज्यादा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।